जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र विश्वास आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में और एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JBLink की तरफ से आने वाले POI स्विच की, जो कि आप नेटवर्किंग कैमरों में यूज करते हैं, जो IP कैमरे होते हैं उसमें। तो JBLink की तरफ से कुछ इस तरीके का आपका POI स्विच आता है और हम लोग आज के वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप लोग जो JBLink के जो केबल आते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके अलावा आप लोग लैन केबल कैसे बनाएंगे। और वीडियो के एंड में लैन केबल का जो पेज कोड बनाते हैं, उसके जो कनेक्टर बनाते हैं, वो बनाना भी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं JBLink का, जो हमने POI स्विच आपको दिखाने के लिए हमने रख रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके POI स्विच में सबसे ऊपर आपको JBLink की ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। ये 4 चैनल, 8 चैनल और 16 चैनल सभी में अवेलेबल होता है। तो वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले जो JBLink का स्विच है उसके बारे में, इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको, आप देख पा रहे होंगे बॉक्स के अंदर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड आएगा, जिसमें आप देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जो कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको एक पावर कोड मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इसको पावर दे सकते हैं जो आपका स्विच है। और सिंपली बॉक्स के अंदर आपको एक सिंपल सा एक स्विच मिल जाएगा। स्विच कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इसमें नंबर डले हुए हैं हर पोर्ट के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पोर्ट स्विच है, इसलिए 8 नंबर तक आपको वो कैमरे लगा सकते हो, 8 कैमरे यहाँ पे लगा सकते हो। जो अपलिंक के लिए आपको इसमें 2 पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि आप NVR से, और इसके अलावा अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है आगे और एक स्विच लगाना है तो उसके लिए आप अपलिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा POI। आप देख पा रहे होंगे ये इसका मॉडल नंबर है इसका TS POE 8+2FEW। तो सिंपली ये AC वोल्टेज पे चलता है, आपको पावर और प्लग और प्ले करना है सिंपली। और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है, और इसमें आपको 4 चैनल, 4 पोर्ट का, 16 पोर्ट का और उसके अलावा 8 पोर्ट का तो मैंने दिखाई दिया है, ये सब अवेलेबल मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको चाहिए तो इसमें 2 पोर्ट गीगा में भी मिल सकता है, और उसके अलावा सारे पोर्ट गीगा में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि लैन केबल कैसे बनाए, लैन कनेक्टर। तो उससे पहले, सबसे पहले अपने को एक केबल की नीड रहती है। तो अगर आप IP कैमरा लगा रहे हो तो आपको सबसे पहले तो एक अच्छी सी बढ़िया क्वालिटी की एक केबल लेनी पड़ेगी, जिसमें कॉपर का केबल हो। तो मैंने यहाँ पे JBLink का फुल कॉपर, जो हाई कॉपर का मटेरियल का आता है, उसका केबल लिया है। अब इसके थ्रू हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे इसमें आप लोग लैन केबल का कनेक्टर बनाते हैं। कनेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक क्रिम्पिंग टूल की आवश्यकता होगी। क्रिम्पिंग टूल कुछ इस तरीके से होता है, आपको सिंपली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसको क्रिम्पिंग टूल को ऐसे रख के आपको इसको सिंपली ऐसे रोल करना है। इसके बाद जैसे आप इसको यूं करोगे ये ब्रेक हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको इसकी जो कलर कोडिंग है उसके बारे में बताता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 पेयर की केबल आती है, 4 पेयर की, और इसमें आपको 8 तार दिख जाएंगे इंडिविजुअली। अब हम लोग इन केबलों को सेपरेट रखते हैं। अब इनको किस तरीके से कलर कोडिंग करेंगे उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। कलर कोडिंग के लिए आप चाहे तो इस चार्ट में देख के आप समझ सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको डायरेक्ट इसमें केबल के थ्रू भी आपको वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे, सबसे पहले आपको लेना है कलर में ऑरेंज वाइट कलर का केबल दिखेगा आपको उसमें। तो सबसे पहले आपको ऑरेंज वाइट केबल लेनी है, उसको स्ट्रेट कर लेना, फिर उसके बाद आपको ऑरेंज कलर की केबल लेनी है, उसको आप साथ में सीक्वेंस में एक साथ रखते जाना। उसके बाद आपको ग्रीन वाइट कलर की केबल लेनी है। अब है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बाद आपको ग्रीन कलर की केबल नहीं, ब्लू कलर की केबल लेनी है, सिंपल ब्लू। और इसके बाद आपको ब्लू वाइट कलर की केबल लेनी है। सारों को एक साथ धीरे धीरे सीक्वेंस में जमाते रहना है। जैसे आप ब्लू वाइट को रख लो, उसके बाद आपको ग्रीन कलर की केबल रखनी है, ग्रीन के बाद आपको ब्राउन वाइट केबल लेनी है, ब्राउन वाइट केबल के बाद आपको ब्राउन कलर की केबल लेनी है। तो आप सीक्वेंस में इसको देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। उसके अलावा आप जो मैंने आगे आपको एक शीट दिखाया था उसके थ्रू भी आप इसको ले सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली इसको क्रिम्पिंग टूल से काटना है। क्रिम्पिंग टूल से जैसे आप काटोगे, आपको लैन कनेक्टर को उल्टा पकड़ के सारे केबल को एक साथ पुश करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। आपको एक बार ये वेरीफाई करना है कि जो भी केबल है वो कनेक्टर के एंड तक पहुँच चुके हो, मतलब सारे के सारे आपके जो एंड है कनेक्टर का वहाँ तक टच हो रहा हो सारे कनेक्टर। मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे सारे केबल मेरे यहाँ पर कनेक्टर में सारे एंड तक टच हो चुके हैं। बस ये सब चेक करने के बाद आपको सिंपली इसको क्रिम्पिंग टूल में प्रेस करके क्रिम्प कर देना, और इसमें आपको
लेन कनेक्टर बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप नॉर्मली इसको यूज़ में ले सकते हो। उसके अलावा आपको मार्केट में लेन टेस्टर मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि आपका कनेक्टर सही बना है या नहीं बना है। उसके अलावा आप यहाँ से चेक कर लेना एक बार दोबारा कि कनेक्टर का जो कलर कोडिंग है वो सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।